ओए मुन्ना, आज भी तेरे को बंदे बताता हूँ। अरे रे बड़े भैया, मेरे को दिखा एक नल्ला, आज उसे मारने का पूरा ट्राई करूंगा, देखो क्या होता है। ओए ओए मुन्ना, मार मार मार। ए बड़े भैया, मार रहा हूँ, बकचोदी मत करो यार। ए आओ, मेरे को मार दिया। हे व्हाट्सअप, तो क्या हाल चाल, राम राम, सत्यकाल, सलाम वालेकुम। जो भी मेरे भाई चैनल पे न्यू आया यार, हो सकता है सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, एंड यार एक बार से कमेंट करके बताना यार कहाँ से आप आए हो, मतलब रैंकिंग से आए या सर्च करके आए हो, तो ये ज़रूर बताना कमेंट करके। यार जिसने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वो इंस्टा पे फॉलो कर सकता है यार। आज का लाइक कम रखते हैं ओनली 100, तो यार तब देखो कब तक कंप्लीट कर पाते हो, बिकॉज जब भी आप लाइक कम कंप्लीट कर देखो उसके मतलब उसी दिन आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, तो देखो क्या कुछ कर पाते हो आप। तो यार नॉर्मली हमें उतर चुका था यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा होगा यानी शूटिंग रेंज के आसपास। तो भाई यहाँ पे क्या कुछ होता है, और धीरे धीरे हम वीडियो में थोड़ा टिप्स ट्रिक्स भी देते रहेंगे, सो यार एंड तक ज़रूर देखना अगर हो सके तो। सो देखो यार यहाँ पे हमें नली नली गन मिल चुकी थी, यानी पिस्टल विस्टल मिली, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, बिकॉज यार ज़्यादा लूट का बताऊँगा ना, तो भाई क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया, तो भाई देखो बताऊँगा मैं। तो भाई आराम से हमें एक हम और स्कारल मिल चुकी थी, तो भाई हमें लूट की लूट के ऊपर आते। सो भाई अगर आप नॉर्मली कोई भी मैच में रहो तो नॉर्मल गोलियाँ रखो, यानी 100, 150, 150 इनफ होती है, क्योंकि हमें इतने बंदे मार पाते हैं, आपको खुद को पता है। सो आपको लगता है कि भाई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्वाइव करना ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्वाइव इम्पोर्टेंट है, एंड दूसरा किल मैटर करता है, बट पहले सर्वाइव होगा देन बाद में किल। सो किल भी होने चाहिए और सर्वाइव भी, सो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली एक बोट आ चुका था, तो भाई कभी कभी बोट अच्छे होते हैं, मतलब आपकी कैडी मेंटेन करने के लिए, आपको प्लस अच्छे दिलाने के लिए बोट मतलब प्रकट हो जाते हैं। तो क्या ही बोले पबजी वाले का थैंक यू कि उसने बोट नाम की चीज़ बनाई। सो कौन कौन रैंक पुशिंग में नॉर्मली काम आता है। सो भाई यहाँ पे ना थोड़ा वीडियो मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा सा मेरा ना गड़बड़ हो गया, मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डर। सो देखो क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। तो भाई दौड़ के हम यहाँ पे आ चुके थे, तो इतना मैं बताता तो प्रोसेस लंबा हो जाता। तो भाई यहाँ पे मेरे को वैसे कोई लग नहीं रहा था कि इस घर में कोई होगा, बट देखो भाई क्या होता है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ये नो प्लेयर था या जो मैं ये मारने वाला हूँ प्लेयर, बिकॉज यार अभी जो प्लेयर आया ना वो स्टार्टिंग प्लेयर है, यानी सीख रहे पबजी, मतलब FPP सीख रहे भाई, FPP क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये प्लेयर इसको पता ही नहीं चला मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से कोई फुटप्रिंट आया या नहीं है, मतलब इसने अपना IQ इसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से मारा, बट इसे मैं नूब नहीं कहूँगा, इसे मैं स्टार्टिंग प्लेयर कहूँगा, यानी ये ऐसा लगता है कि इसने FPP खेलना आज ही से स्टार्ट किया है। सो अच्छी प्रैक्टिस थी भाई, नेक्स्ट टाइम तो देखो क्या होता है। तो भाई थोड़ा मतलब यहाँ पे देखने के बाद मेरे को आराम से एक प्यारा सा ड्रॉप दिखता है, तो भाई मैं निकल पाता हूँ ड्रॉप की ओर, क्योंकि भाई ड्रॉप की अगर गन मिल गई ना तो यार, एंड ड्रॉप ज़्यादा दूर नहीं था मेरे से, तो भाई मैंने बोला चलो यार एक ड्रॉप लूट लेते हैं, क्योंकि यार ड्रॉप की गन मिल गई ना तो यार तबाही है, अगर आपको पता है कि क्रोजा व्रोजा एडब्ल्यू वेडम कुछ मिल जाती है तो यार जहर है, और MK तो भाई वो भी आपको पता ही है। तो देखो क्या होता है, तो नॉर्मली यार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यानी ड्रॉप के पास। ड्रॉप के पास आने पर मेरे को है ना मस्त M249 मिल जाती है, तो भाई लास्ट में मेरे को एक हैकर मारता है, तो मेरे को बताना वो हैकर था या नहीं था, बिकॉज मेरे को तो लगा था, एंड देन आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एंड तक देखोगे तब भी समझ पाओगे कि भाई आप उसको जज कर पाओगे। सो मैं नहीं कहता, सो देखो क्या होता है। तो भाई नॉर्मल मैं यहाँ पे स्कोर हाउस पे आ चुका था, क्योंकि यार मैंने सोचा कि थोड़े बहुत क्या पता शायद कोई बंदा आ जाए ड्रॉप पे, सो मैं बाद में उसे मार पाऊँ, तो बट ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी टाइम वेट किया। देन भाई यहाँ पे फिर सो उनको मार के हम कुछ नहीं करते, यहाँ से निकल पड़ते गाड़ी लेके। तो भाई गाड़ी के भी सस्ते नशे होते हैं, यानी पेट्रोल भाई रखना ज़रूर अपने बैग में, क्योंकि पेट्रोल नहीं तो कुछ नहीं। तो भाई मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरे को मिला ही नहीं था, तो क्या ही कर सकता था। एंड भाई यहाँ पे आके आपके भाई की गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा ख़त्म ही हो जाता है, तो मेरा एक मूड क्या था मैं राइट से ले लूँ, बट राइट में जा बहुत सारे घर थे, तो भाई हो सके तो ना घरों से दूर निकालो 100 मीटर 150 मीटर या जितना भी हो सके, क्योंकि घरों में कहीं ना कहीं बंदे होते। तो भाई मैं गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने पर पानी में जाता हूँ, देन पानी से निकल जाता हूँ। अगर मेरी गाड़ी आगे जाती तो शायद मैं मर जाता, बिकॉज क्यों मर जाता मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आगे जब हम जाते हैं, यानी नॉर्मली रोसो के लेफ्ट वाली साइड जहाँ पर एक गैराज बोल सकते हैं, वहाँ पे होता है गैराज, सो वहाँ पे भाई एक USZ, तो भाई मैंने सोचा भाई नॉर्मली USZ पड़ी होगी किसी बंदे की, या ऐसे लगा कि भाई ऐसे ही पड़ी होगी, तो भाई मेरे को नहीं पता था कि उसमें लिटरली बंदा था। तो भाई मैं पता नहीं क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, तो हल्का फुल्का डैमेज भी नहीं करा, मतलब इस पर मैंने हक दिया यहाँ पे, कहने का मतलब सीधी बात है। एंड भाई जायरो अभी भी ट्राई किया, तो यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जायरो में, बिकॉज आई एम नॉट ए जायरो प्लेयर, सो अभी भी मैंने फुल स्कोप जायरो यूज़ किया है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, एंड देन भाई थोड़ा बहुत मेरे को अलग सा लग रहा है, बिकॉज जो मैं यूज़ करता हूँ उससे
तो यहाँ पे मैं यार नॉर्मली मेरी गाड़ी लेके निकल चुका था, तो देखो क्या कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि भाई निकलो यार, यहाँ पे कुछ नहीं रखा अभी, आज बंदे बचे 24 बंदे बचे हैं भाई, जोन निकलना ज़रूरी है क्योंकि यार अच्छी लोकेशन मिल गई तो अच्छे खासे किल निकल सकते हैं। बट देखो यार क्या कुछ होता है इसमें, आराम से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यानी स्कूल की पहाड़ी बोल सकते हो या रोज़ों की पहाड़ी बोल सकते हो, उसके बीच में एक मस्त एक गड्ढा मिलता है मेरे को, तो उस गड्ढे में चला जाता हूँ, तो समझ रहे हो गड्ढा। तो भाई यहाँ पे गड्ढे में आने के बाद तो मैं वेट करता हूँ कि काश कोई बंदा आए, बट बंदे बंदे स्पॉट करता हूँ, क्योंकि भाई ये रोटेशन का टाइम होता है, यानी लगभग 30 से 30 बंदे बचते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हो थर्ड सेकेंड थर्ड जोन बचता है, तो भाई यार बंदे रोटेशन ज़्यादा लेते हैं, यानी बंदे एक अच्छी अपनी अपने लिए एक लोकेशन ढूंढते कि भाई हम कहाँ जाए। तो भाई वो देखने के लिए यार अच्छी आपको एक लोकेशन पे चले जाना, क्योंकि आप अगर अच्छी लोकेशन पे चले गए तो भाई आपको एक डिसएडवांटेज मतलब एक एडवांटेज है कि भाई जो भी आप रोटेशन बंदे मारेंगे वो आप उनको मार पाएंगे। तो भाई यहाँ पे लेटा हुआ था, जैसे एक बग्घी आती है चलते हुए, मतलब चलते हुए है कि ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, सो बग्घी आती है, तो भाई यहाँ पे आपका भाई बग्घी वाले को इतने प्यार से मारता है ना भाई, इसको पता ही नहीं है, तो भाई क्या ही बोलो, इस भाई साहब को मार देते हैं हम प्यार से, तो हम क्या ही कर सकते हैं। दिक्कत है एक बाइक निकली थी पास में से, सो यार वो चली गई गलती से, मतलब मिस हो गई बिकॉज टाइम नहीं था, सो क्या ही करें। यहाँ पे हम हमारी M249 रिलोड करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े बहुत बंदे स्पॉट करते हैं, क्या क्या पता कोई जोन से आ रहा हो या कोई लेफ्ट राइट से आ रहा हो, बट कोई नहीं दिखता। एंड देन भाई साहब यहाँ पे पहाड़ी पे एक बंदा दिखता है, सो देखो कैसे दिखता है। तो यहाँ पे मेरे को बंदा स्पॉट हो चुका था, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा गौर किया हो तो मेरे को यहाँ पे बंदा दिखा, बट मेरे को कोई अच्छा सा एंगल नहीं मिल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एंगल मिलता है पर फिर वो बंदा चला जाता है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा अच्छा एंगल मिलता है, मैं फायर करता हूँ, पता नहीं बट वो मर जाता है, उसकी अच्छी AKM थी उसके पास, एंड देन अच्छा खासा उसने डैमेज दिया, तो एक अच्छा प्लेयर था, सो भाई अगर मतलब क्या ही बोले। तो भाई यहाँ पे मैंने हील विल किया एंड मैं चला गया उस बंदे की प्लेट में, एंड उसकी उठाई मैंने बग्घी। तो भाई यहाँ पे क्या होता ना, अगर मैं चाहता तो इसमें 1-2 किल और निकाल सकता था, बट क्या करे, बस जब किस्मत में लिखा ही नहीं है तो कुछ मिलता नहीं है। सो देखो क्या होता है यार, मैं आराम से फिर अपनी बग्घी वगैरह उठाई, क्योंकि अभी बचे थे 10 बंदे और अच्छा खासा कम से कम #3 #4 जाने का अच्छा चांस था, तो मैंने बोला शायद हो ही जाएगा। और भाई क्या ही बोले, मैं यहाँ पे लाता हूँ अपनी बग्घी, तो देखो क्या होता है। तो भाई आपने देखा होगा कि मतलब मैं स्पॉट करने के चक्कर में किसी बंदे को स्पॉट करा था, भाई यहाँ पे मेरे को ये बहुत गंदा डैमेज देता है जो लेटा हुआ था शायद बंदा। अब ये मेरे को आप बताना ये हैकर था या नहीं था, बिकॉज मैंने उसके नेटवर्क भी आए थे, सो मैंने एक कर दिया था स्मोक ताकि वो बंदा आगे ना बढ़े, एंड मैं थोड़ा उसको स्पॉट करने के चक्कर में मतलब बढ़ा देखा, उसका एक नेट आया था आपने देखा होगा, तो मैंने देखता भाई कहाँ पर लेटा हुआ, बट वो बंदा नहीं दिखता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके फिर से लेटने का ट्राई करता हूँ, लेट जाता हूँ अगर मैं, क्यों भाई अभी दिख नहीं रहा तो क्या करते हैं। एंड भाई साहब मेरे को पड़ती है स्मोक के पार से, अगर आपने देखा होगा गौर किया होगा तो भाई मेरे को एक पल के लिए लगा भाई लीजिड प्लेयर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। देन भाई मैं इस बंदे को एंड तक मैं स्पॉट करता हूँ, मतलब एक्सपेक्टेड करता हूँ सॉरी। तो भाई इस भाई का ये जो नाम था आपने देख लिया होगा, इस भाई की ID है, सो यार कहीं भी ये बंदा दिख जाए तो आपको रिपोर्ट ठोकनी है मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है ये हैकर है तो ठोकनी, बाकी मत ठोकना ठीक है भाई, बिकॉज यार कुछ भी हो सकता है, क्या पता मेरे को वो कोई पबजी का ग्लिच हो या तो इससे मेरे को डबल स्मोक दिखा हो या कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए। सो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ये हैकर था या नहीं था, बिकॉज मेरे को मैंने इसको कंफर्म कैसे किया भाई ये हैकर है या नहीं है। सो मैंने लास्ट तक इसको देखा एंड देन भाई लास्ट इसको एक्सपेक्ट करता था, एंड भाई साहब ये बंदा क्या कर रहा था ना, M249 के आराम से 6 चला रहा था, तो नहीं यार M6 का 3X बनाया कोई भी चला रहा है भाई, इसके आसपास में गोलियां चल रही थी, यहाँ पे MK वाला बंदा पता था मेरे को, वो बंदा थोड़ा सा भी स्पॉट नहीं हुआ मतलब स्पॉट करने के लिए, मैंने बोला यहाँ तक देख लिया भाई, अगर एटलीस्ट पता चल गया। अब आप खुद बोलोगे कि भाई MK ले लिए भाई साहब ने, स्मोक स्मोक कर दिया, ये रोटेट मारते हैं एंड भाई M249 पे 6X, तो देखो भाई कैसे चला था स्मोक 6X। तब मेरे को कंफर्म हुआ, देखो भाई साहब यहाँ पे मेरे को कोई स्पॉट नहीं हुआ, एंड भाई ये इस बंदे ने आराम से बंदा तेल दिया। तो भाई इससे मैं कहता हूँ भाई ये हैकर है, तो भाई मस्त मैंने इसको रिपोर्ट मारी। एंड देन भाई कभी भी कोई भी अगर आपको लगे कि भाई घास के अंदर से मार रहा है या इलीगल तरीके से मार रहा, तो उनको रिपोर्ट ठोको पबजी वालों को, देन कुछ नहीं कर सकते। वीडियो इतना ही था, आई होप मजा आया होगा, इतने ज़्यादा तो प्लस नहीं निकले, 16-17 या मैक्सिमम 20 के नीचे प्लस निकल गए, सो देखो क्या होता है यार। वीडियो इतने टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। और यार जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया था इंस्टा पे फॉलो कर लेना, आज का वीडियो इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहे, और यार हो सके तो यार यहाँ तक देख रहे हो ना कमेंट करके जरूर जाना।
कि वीडियो कैसा लगा। अरे भाई सब्बू भाई हेलो, मैंने प्लेन पे चिल्लाया सब्बू और विज्ञान का साबुन चिल्लाना शुरू कर दिए। हाँ।